टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। बताया गया कि थाना कोतवाली टीकमगढ़ अंतर्गत खिरिया चौकी में फरियादी अरविंद यादव ग्राम नगौवा निवासी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि सिद्ध बाबा हार ग्राम नगौवा में आरोपी राजेश पुत्र स्वर्गीय पप्पू शाह ऋषि पुत्र स्वर्गीय पप्पू शाह निवासी महरूनी के द्वारा इसके भाई छत्रपाल पुत्र स्वर्गीय वृंदावन यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर थाना कोतवाली ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसके उपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज छतरपुर ललित शाकेवार पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित काशवानी द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम SDOP टीकमगढ़ श्री राहुल कटरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक आनंद राज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल, एक कट्टा, एक प्लेटिना बाइक, मृतक का मोबाइल जब्त किया गया। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी राजेश ऋषि साहू निवासी मेहरूनी जिला ललितपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 12 तारीख को अभी थाना कोतवाली की खिरिया चौकी के नेगुआ गांव में एक हत्या हुई थी, उसका खुलासा आज किया गया है। उसमें मृतक छत्रपाल यादव की गोली मारकर दो आरोपी और राजेश साहू और ऋषि साहू ने हत्या की थी, और इसका प्रमुख कारण आया है कि ये मृतक की भाभी को छेड़ रहे थे। मृतक ने विरोध किया और इसमें मृतक की उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को जिला टीकमगढ़ की कोतवाली टीम की ने गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे एक कट्टा और एक पिस्टल भी बरामद हुए हैं और पूरी कोतवाली की टीम को इसके लिए पुरस्कृत किया जाए। इसमें 302 और 354 का और 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध। हत्या की वजह यह थी कि आरोपी जो है वो मृतक की भाभी को छेड़ रहे थे, तो भाभी चिल्लाई, मृतक आया, मृतक ने बचाव किया, उसमें जो विरोध किया उस दौरान इन्होंने गोली चला दी। क्या उनकी जमीन आसपास? हाँ, जमीन आसपास है, जो उनके आसपास लगी है, पर जमीन संबंधी ऐसा कोई विवाद नहीं है। मेनली छेड़खाड़ करी। सर, आरोपियों को गिरफ्तार कहाँ से किया गया? आरोपियों को मेहरूनी से गिरफ्तार किया है। सर, इसमें अहम भूमिका किसकी रही है? सर, इसमें थाना प्रभारी कोतवाली आनंद राज, उप निरीक्षक कमल विक्रम पाठक, उप निरीक्षक मयंक नगाइज, प्रधानारक्षक सतीश शर्मा, आनंद सुडेले, रहमान खान, अरविंद निरंजन, आरक्षक अनिल, आरक्षक अरविंद परिहार, अजय पटेल, इन सभी की प्रमुख भूमिका रही है और इन सभी ने SDOP साहब के निर्देशन में बहुत ही शानदार कार्य किया है। इसमें इनाम भी घोषित किया है? बिल्कुल, पूरी टीम को इनाम दिया जाएगा। इसमें आरोपी सर पहले से क्या अपराधी? नहीं, इनका कोई ऐसा अपने यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं आया सामने, बाकी UP भी भेजा गया है एक लेटर इनके रिकॉर्ड के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।